हेलो एवरीवन, द प्रिंट में एक रिपोर्ट छपा है, क्या एलएसी एलओसी में कन्वर्ट होते जा रहा है, उस पर बात करूंगा। इसका हमारे देश पे क्या इफेक्ट होगा फ्यूचर में, कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखूंगा, आप वीडियो को अंत तक देखें। इसमें कोई डाउट नहीं है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पगला गई है, खास करके चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को अगर अपने देश की चिंता होती तो वो कोरोना के बाद इकोनॉमी पे ध्यान देता, लेकिन चीन पूरे दुनिया का खलीफा बनने निकल चला। बदले में मिला क्या? पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ चुका है चीन अब। देखो, चीन नॉर्थ कोरिया से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया परमाणु हथियारों का जखीरा वेस्टर्न पावर से बचने के लिए बना रहा, लेकिन चीन अपना मिलिट्री दुनिया के अपने से कमजोर देशों पे कब्जा करने के लिए बड़ा कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था भारत और चीन के बीच, लेकिन चीन का कुटिल नजर था लद्दाख पे, खास करके पेंगोंग सो, गोगरा और हॉट स्प्रिंग पे। ये तीन जगह पे चीन कब्जा करके पूरे ले लद्दाख रीजन पे अपना एडवांटेज बनाना चाहता था। एलएसी को एलओसी में कन्वर्ट होने की बात कर रहा, उसका ये कारण नहीं है कि जैसे भारत और पाकिस्तान में हर रोज हैवी फायरिंग होता है, वो होगा? देखो, मान लेते हैं फायरिंग ना के बराबर हो, लेकिन आप खुद सोचो, इतना ज्यादा फोर्स का डिप्लॉयमेंट ना सिर्फ हमारे फोर्स के लाइफ को और ज्यादा स्ट्रगलिंग कर देगा, उसके साथ साथ डिफेंस बजट में बहुत ज्यादा इजाफा करना होगा। इसका सीधा इफेक्ट आम जनजीवन पे होगा। देखो, एलओसी पे अभी 1,00,000 से ज्यादा फोर्स डिप्लॉयड है, उसमें से कई ऐसे जगह हैं जहां पे 3-tier एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है, मतलब अगर आतंकी बॉर्डर से एंटर करता है तो उसको 3 लेयर के फोर्स से गुजरना पड़ेगा। अगर एलओसी को देखो तो वो करीब 750 किलोमीटर है, वहीं एलएसी 3500 किलोमीटर के करीब है। देखो, अगर चीन हैवी और परमानेंट डिप्लॉयमेंट बढ़ाता है लद्दाख रीजन में, तो इंडिया से ज्यादा नुकसान चीन का ही होगा, क्योंकि ऐसे टेरेन और वहां टेम्परेचर -30 डिग्री से भी डाउन जाता है। भारतीय फोर्स सियाचिन में सालों से डटे रहे हैं, वहीं चीनी फोर्स को ऐसे रीजन में रहने का ज्यादा अनुभव भी नहीं है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन DGMO रह चुके हैं, उनका कहना है एलओसी और एलएसी दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एलओसी डिफाइंड है, उसके साथ भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर एग्रीमेंट भी हो चुका है, भले उसे पाकिस्तान बार बार तोड़े बॉर्डर पे फायरिंग करके। वहीं एलएसी डिफाइंड नहीं है, भारत और चीन का अलग अलग क्लेम है एलएसी को लेके। उन्होंने यह भी कहा कि हमें 3R पे काम करना चाहिए, हमारे पास रिजर्व फोर्स अच्छे खासे होने चाहिए ताकि इमरजेंसी में उन्हें डिप्लॉय किया जा सके, हमारे पास रडार अच्छे क्वालिटी की होना चाहिए ताकि चीनी फोर्स के हर एक मूवमेंट पे बारीकी से नजर रखा जा सके, वहीं तीसरे आर का मतलब है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर रोड का जाल हम बिछा देते हैं एलएसी तक, तो हमें रैपिड डिप्लॉयमेंट में काफी हेल्प मिलेगा। वहीं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, जो पहले चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ रह चुके हैं, उनका कहना है एलएसी को एलओसी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एलओसी हर टाइम एक्टिव रहता है, वहीं एलएसी भी एक्टिव है लेकिन एलओसी की तरह नहीं। उनका कहना है फोर्स का डिप्लॉयमेंट एलएसी पे जरूर बढ़ रहा है, लेकिन आगे हमें देखना चाहिए कि डिप्लॉयमेंट लेवल कितना हद तक जाता है। 14 कोप्स कमांड चीनी फोर्स को धूल चटाने में सक्षम है, अगर चीन ना माना तो। इस कमांड ने कई सारे मिलिट्री इक्विपमेंट को खरीदने का ऑर्डर कर दिया है इमरजेंसी फंड से, जिसमें UAV सर्विलांस के लिए यूज होगा, फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स, क्विक पेट्रोलिंग और फोर्स डिप्लॉयमेंट के लिए यूज किया जाएगा। उसके साथ ऑल टेरेन व्हीकल भी मंगाया गया है, जिससे फोर्स का फास्ट मूवमेंट हो सकता है,
किसी भी टाइप के माउंटेन टेरेन में। अब आगे जो भी होगा उस पर वीडियो लाते रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।